अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त मस्जिद नबवी में खड़ा हूँ। आप देख रहे होंगे सामने गेट नंबर 20 और 21। ये गेट नंबर 20 और 21 मस्जिद नबवी का सबसे बड़ा गेट है। वो मैं आपको मस्जिद के अंदर का जो डोर थे वो दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको ये बाहर से दिखाता हूँ। आज मैं आपको 20 नंबर से लेकर 26 नंबर गेट तक जो होटल हैं वो तफसील के साथ आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। अगर आप आना चाहें तो उम्मीद है कि आपके लिए ये आसानी पैदा करेगी वीडियो। ये मैंने चलना शुरू कर दिया है जी। ये अभी मैं हरम के गेट 21 और 22 नंबर से चल रहा हूँ। ये मेरे दाएं जनब जो पहला होटल है ये दारुल तक्वा, आप देखें। ये मरकजिया के अंदर जो होटल है गेट नंबर 20 या 21 से लेकर 26 तक, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे दाएं जनब तैयबा आर्क स्वीट्स, 5-स्टार होटल के फर्स्ट फ्लोर में तकरीबन 5-स्टार होटल ही है। अब ये इसमें मदीना में भी, जहां मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, कबूतर चौक के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी मैं आपको यहां से मस्जिद का व्यू भी दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखें ये सामने नंबर आपको गेट नंबर 21 और 22 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं अभी यहाँ दिखाता हूँ 21 और इधर है 22। सब हाजी माशाल्लाह नमाज असर अदा करके यहाँ निकल रहे हैं। जी दारुल तक्वा के साथ ये एक होटल है उंदलस स्वीट्स, ये आप देखें। ये बिल्कुल दारुल तक्वा के साथ इसकी बिल्डिंग मिलती है। ये एक 3-स्टार होटल है और इसका आम तौर पर मालूम नहीं होता। माशाल्लाह ये कबूतर देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। अभी दूसरा होटल जो आ गया है वो दाएं जनब शजा होटल है, ये भी 5-स्टार है। और बाएं जनब मदीना हिल्टन मशहूर तरीन होटल है। ये होटल माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं। ये भी सारा देखें, ये शजा होटल ही है और मेरी बाएं जानब मदीना हिल्टन। शजा होटल के बाद अब ये लग्जरी और रवादा स्वीट्स है, तीसरा होटल है दाएं जानब और दूसरी तरफ बाएं जानब अल-लुखबा रॉयल इन और इसके साथ ही आयल नजूल रॉयल इन। ये दोनों होटल एक ही बिल्डिंग में हैं। खूबसूरत होटल है ये।